Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. Welcome to science class. So today we are going to learn about concepts of chapter number 8, that is matter and material. So इसमें हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, तो आप रिवाइज कर सकते हो मैटर क्या होता है. डू यू रिमेम्बर? सो हम बहुत सारी क्लासेस से यही पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट. कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसमें वेट हो, उसे मैटर की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं कि ये मैटर है. सो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ मैटर. तो दुनिया में जो सारी चीज़ें बनी हुई हैं वो कोई ना कोई मैटर से बनी हुई हैं. अब जो मैटर है वो भी छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ है. वो टाइनी पार्टिकल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं. देन स्टेट्स ऑफ मैटर. तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है? देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड के एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि जो भी सॉलिड के एग्जांपल्स हैं उनका एक फिक्स शेप है, ठीक है, उनका शेप चेंज नहीं होता, तो दे आर सॉलिड्स. देन लिक्विड. लिक्विड कोई भी शेप ले सकता है, ठीक है, लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं है, बट हाँ लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है. जैसे कि अगर किसी बकेट में हाफ लीटर पानी है, अगर हम उस हाफ लीटर का पानी को बॉटल में फिल करते हैं तो वो भी हाफ लीटर ही रहेगा. सो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता. बट लास्ट वन इज़ गैस. तो गैस में क्या होता है कि गैस कोई भी शेप ले सकती है, या उसका ना कोई फिक्स्ड शेप है ना ही उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है. गैसेस जिसमें फिल करेंगे उसका शेप ले लेगी. फॉर एग्जांपल हम बलून के अंदर एयर ब्लो करते हैं तो वो बलून का शेप ले लेती है. नाउ चेंजेस ऑफ स्टेट्स. स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो सकता है. तो इसमें हम एग्जांपल लेंगे वाटर का. अगर वाटर को हम फ्रीज करते हैं, ठीक है, वाटर को अगर हम ठंडा करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? आइस बन जाता है. देन अगर उसी वाटर को हम हीट करते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, अगर उसे हीट करते हैं तो वो गैस बन जाता है. तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो सकते हैं. देन सॉल्यूशन. हमने पढ़ा था सॉल्यूशन के बारे में. तो सॉल्यूशन क्या होता है कि मिक्सचर होता है जिसमें चीज़ें कम्प्लीटली डिजॉल्व होती है. मान लो कि सॉल्ट को हमने वाटर में मिक्स किया और वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गया, तो वाटर क्या बन गया? सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया. देन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. अब हमने वाटर में डिजॉल्व किया था तो जिस चीज़ के अंदर डिजॉल्व कर रहे हो वो क्या है? सॉल्वेंट. और हमने किसको डिजॉल्व किया था? सॉल्ट को डिजॉल्व किया था, तो सॉल्ट क्या बन गया? सॉल्यूट. जिस चीज़ को आप डिजॉल्व कर रहे हो, ठीक है, जिस चीज़ को आप डिजॉल्व कर रहे हो इट इज़ सॉल्यूट, ठीक है, वो क्या होता है? सॉल्यूट. और कोई भी लिक्विड जिसके अंदर आप डिजॉल्व कर रहे हो सो इट इज़ सॉल्वेंट, ठीक है. तो आपको पता है वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर में कोई भी चीज़ आप डिजॉल्व कर सकते हो. देन इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट ऑन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अब अगर किसी भी सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट के अंदर हम कंटिन्यूसली डिजॉल्व कर रहे हैं, अब इतना डिजॉल्व कर दिया कि उसमें नेक्स्ट जो है वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, नेक्स्ट स्पून जो हम डाल रहे हैं, तो वो जो डिजॉल्व नहीं हो रहा तो वो कहाँ जाएगा? वो जो बॉटम ऑफ द ग्लास या हम बॉटम ऑफ द कंटेनर जिसमें भी डिजॉल्व कर रहे हैं वो वहाँ पर नीचे इट विल बी सेटल्ड ऑन द बॉटम, वो नीचे सेटल हो जाएगा. सो अब वो नीचे सेटल हो गया मतलब उसमें अब स्पेस नहीं है कि वो दूसरा कुछ फिल कर सकता है, उसमें डिजॉल्व कर सकता है, तो वो क्या बन जाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. नाउ लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ मैटर. तो जो सारे मटेरियल होते हैं वो किससे बने होते हैं? मैटर से बने होते हैं. मैटर किससे बना हुआ है? मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. देन फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम किसका होता है? सॉलिड्स. देन किस चीज़ में वॉल्यूम फिक्स है पर शेप फिक्स नहीं है? इट इज़ लिक्विड्स. देन नाइदर फिक्स्ड शेप भी नहीं है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं वो क्या है? गैसेस है. देन व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट
अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो क्या बन जाता है, वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स सॉल्यूशन. व्हाट इट बिकम्स सॉल्यूशन. द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिजोल्व, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकता, तो उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.